शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है, तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक तीन नाम और तीन सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल। वो तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी की संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है, तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। लेकिन नाम अगर बदला हो तो ये टाइमिंग जो है, अभी चुनाव आने वाले, वो राज्यसभा के अभी भी चुनाव है, व्हिप का मुद्दा जो था वो इम्पोर्टेंट था। नहीं ऐसे अभी कहाँ व्हिप का सवाल आता है, उन्होंने नया नाम मांगा है, मतलब तो वही ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसका कोई व्हिप का। इसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा के लिए आप पक्ष क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे कि हम राज्यसभा का चुनाव कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ समय एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या? नहीं, अभी तो ऑर्डर आया है, अभी देखेंगे ना, जल्दी का जल्दबाजी किस बात की। मैम कारण क्या मानती हैं आप इस फैसले का? अदृश्य शक्ति, आपके पक्ष का नेता या फिर चुनाव आयोग, क्या लगता है ये फैसला किसकी वजह से आया है? अदृश्य शक्ति। लेकिन आपने मतलब डॉक्यूमेंट दिए थे, एफिडेविट दिए थे, वो तो हाँ बिल्कुल एविडेंस दिए थे, वो तो अभी इसका सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है, ठीक है लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों में जाएंगे। लेकिन आगे की क्या होगी रणनीति? अरे अरे हाँ हाँ बिल्कुल, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी, अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन सिंबल अभी जो चुनाव आयोग को जो ऑप्शन देने वाले तो हाँ वो कल दे देंगे, कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक तीन नाम और तीन सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल। वो नाम के बारे में कुछ सोचा है मैम? अभी करेंगे, कल के लिए तो कुछ रखो, आज ये न्यूज करो, कल के लिए तो रखेंगे कुछ। अच्छा, शिवसेना के बाद हमने देखा कि अब ये एनसीपी के साथ हुआ, टूट हुई और मान्यता किसी और को, हमारे पार्टी में टूट नहीं हुई है। हाँ, तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा? नहीं, ये जिस ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी की संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कुछ बदला हमारे व्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। और जिस तरह से आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का यूज इस सरकार में हो रहा है, देश है देश, कश्मीर टू कन्याकुमारी, पार्टियां तोड़ी जाती है, फैमिलीज तोड़ी जाती है, तो आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से ये होता है। लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रहा है इस देश में, तो इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।